हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से रेज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना है कि पैसों को कहाँ लगाया जाए। बहुत सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी इट विल अफेक्ट योर अर्निंग कैपेसिटी। आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में या कौन सी एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। This decision relates to investment of firm's available funds among fixed and current assets. Now we have to decide कि हमें पैसों को fixed assets में invest करना है या फिर current asset में invest करना है। Fixed asset में invest करने को क्या बोला जाता है? Capital budgeting। और वहीं अगर हम करंट एसेट्स में पैसों को इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो इट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो इसे क्या बोला जाएगा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। अगर हम पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना, इन सब डिसीजंस को क्या बोला जाता है? इन सब एसेट्स को अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सबको क्या बोला जाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब दीज डिसीजंस वंस टेकन इट कैन नॉट बी टेकन बैक। क्यों वापस नहीं ले सकते? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड एसेट्स सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज इट अफेक्ट्स आर अर्निंग कैपेसिटी। अब एक बार इन्वेस्ट कर दिया इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर कैश फ्लोज। यहीं से आपको पता चलेगा आप कितना कमाने वाले हो। तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्योंकि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया नाउ आपके फ्यूचर कैश फ्लोज किस पर डिपेंड करते हैं? आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन पर। नेक्स्ट इज वंस टेकन इट्स कैन नॉट बी टेकन बैक, दैट इज इरिवर्सिबल। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी आप उस इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं ले सकते, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर डिसाइड करना है कि पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट इज़ आर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब जहाँ पैसा हम शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, उसे क्या बोला जाएगा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स इन करंट एसेट्स, जब पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जब इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डेली नेचर के जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसे परफॉर्म करने के लिए भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, हमें करंट एसेट्स यानी डे टू डे ऑपरेशन, सैलरीज भी पे करनी है, बिल भी पे करना है, वेजेस भी पे करनी है, रेंट भी जाएगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं जो डेली नेचर के होते हैं। उन खर्चों को परफॉर्म करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इट रिप्रेजेंट्स द फंड्स अवेलेबल टू एंटरप्राइज टू फाइनेंस रेगुलर ऑपरेशंस। अब वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? रेगुलर ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दैट इज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली। अब आप वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। मतलब करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल। क्या मिलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी करंट एसेट्स, जैसे कि कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स हो गया, ये सारे आपके क्या जाते हैं? वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, पैसा कहाँ स्पेंड किया जाए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। हमारे पास फोर फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट इज़ रिस्क इन्वॉल्व एंड लास्ट इज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व।
एक एक करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। इट्स क्वाइट ऑब्वियस हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लोज आए हमारे पास। नाउ वी हैव टू डिसाइड कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट जनरेट्स कैश फ्लोज। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इनफ्लोज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की, अब मशीनरी परचेज की, मशीनरी को प्रोडक्शन में लगाया जाएगा, अब प्रोडक्शन में लगाओगे आउटपुट मिलेगी और उन आउटपुट से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कौन से फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, कैश फ्लोज मिले। फाइनेंशियल मैनेजर शुड इवेल्यूएट एंड एनालाइज प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज बिफोर मेकिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना है अपने प्रेजेंट कैश फ्लोज के बारे में भी और फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में। प्रेजेंटली मतलब आज वो कितना कमा रहा है, अगर वो इस फिक्स्ड एसेट में या किसी भी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करता है तो आने वाले टाइम में उसके फ्यूचर इनफ्लोज में कितना डिफरेंस आएगा, कितने उसके फ्यूचर इनफ्लोज इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट करोगे, जब भी कंपनी या इन्वेस्ट करती है कंपनी क्या देखती है, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको रिटर्न मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट गिव्स हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू अदर्स। अब हो सकता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो कंपनी के पास, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइड, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑल्टरनेटिव आपको 10% रिटर्न दे रहा है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव आपको 5% रिटर्न दे रहा है, थर्ड ऑल्टरनेटिव आपको 6% रिटर्न दे रहा है और फोर्थ ऑल्टरनेटिव आपको 15% रिटर्न दे रहा है। नाउ आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें किस में मिल रही है, 15% में। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, उसी रिटर्न में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट इज आर रिस्क इन्वॉल्व। अब जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पर रिस्क होगा। बिजनेस की एक सेइंग है, आप लोगों ने सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न। तो जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पर आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। रिटर्न को इवेल्युएट करने के साथ साथ हमें रिस्क को भी इवेल्युएट करना है कि प्रोजेक्ट में कितना कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ईच प्रोजेक्ट शुड बी असेस्ड बिफोर मेकिंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे समय की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि कहां से रिटर्न ज्यादा मिल रही है। रिटर्न के साथ साथ आपको रिस्क भी देखना है, कौन से प्रोजेक्ट कम से कम रिस्की हो, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और कम से कम क्या मिले आपको, रिस्क मिले। फॉर एग्जांपल हम चार प्रोजेक्ट कंसीडर कर लेते, ए बी सी डी, चार अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कंपनी के पास। अगर ए में इन्वेस्ट कर दिया, सपोज कंपनी ए में इन्वेस्ट कर रही है तो इट विल गेट 10% रिटर्न, बी में इन्वेस्ट करती है तो इट विल गेट 12%, सी में इन्वेस्ट कर रही है तो 6% और डी में इन्वेस्ट करती है चार प्रोजेक्ट अवेलेबल है हमारे पास, ए बी सी डी। अगर कंपनी ए में इन्वेस्ट करती है तो इट विल गेट 10% रिटर्न, बी में इन्वेस्टमेंट करती है तो 5% रिटर्न, सी में इन्वेस्ट करती है तो 12% रिटर्न और डी में इन्वेस्ट करती है अगेन इट विल गेट 10% रिटर्न। अब देखो रिटर्न के साथ साथ हम एक और किस चीज़ को इवेल्युएट करना है, रिस्क को। रिटर्न को भी इवेल्युएट करना है साथ के साथ रिस्क भी देखना है, कितना रिस्की प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल 10% रिटर्न को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5% का रिस्क बियर करना पड़ेगा। अब 5% रिटर्न में हमारे पास 5% का ही रिस्क है, 12% रिटर्न में हमें 10% का रिस्क बियर करना पड़ रहा है और 10% रिटर्न में हमें सपोज 8% का रिस्क बियर करना पड़ रहा है। अब देखो 10% रिटर्न, 5% का रिस्क। सिमिलरली डी प्रोजेक्ट में भी 10% रिटर्न है बट 8% रिस्क है। अब देखो रिटर्न क्या हमारे पास सेम है,
बट रिस्की कौन सा प्रोजेक्ट है? 8% वाला, दैट मीन्स प्रोजेक्ट डी। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे? प्रोजेक्ट ए, क्योंकि कम रिस्क पर हमें सेम रिटर्न मिल रही है और यहाँ पर ज़्यादा रिस्क पर हमें कम रिटर्न मिल रही है। तो यहाँ पर हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉर हमें क्या डिसाइड करना है, कौन सा प्रोजेक्ट हमें रिटर्न ज़्यादा देगा और कम से कम रिस्की होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। सारी टेक्निक्स आप आगे जाकर हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बस। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सभी टेक्निक्स से हमें कैलकुलेशन करके देखनी होती है, इवेल्युएट करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो देर आर डिफरेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जब भी आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेनी है तो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। दीज टेक्निक्स आर नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV कैलकुलेट की जाती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैलकुलेट किए जाते हैं, पेबैक पीरियड मेथड यूज़ किया जाता है, बहुत सारी और टेक्निक्स आ जाती है जिनका हम यूज़ करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। फर्स्ट इज कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लोज मिलेंगे। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। अब रिटर्न को इवेल्युएट किसके साथ किया जाता है? रिस्क के साथ। अब जहाँ रिटर्न ज़्यादा होगी आपको रिस्क को भी देखना पड़ेगा, कम से कम रिस्क कौन से प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, उन टेक्निक्स को यूज़ करके इवेल्युएट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।